கேட்கேக்கு பண்ணது ஹாய் 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 கேட்கேக்கு பண்ணது ஹாய் 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 கேட்கேக்கு பண்ணது ஹாய் 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 तमाम டெலி மேஜர் கோ கரா கரோ கரா கரோ கரா கரோ तमाम டெலி மேஜர் கோ கரா கரோ जब तक भूखंड सान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा जब तक भूखंड सान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा क्या मांगे मजदूर किसान रोटी कपड़ा मकान क्या मांगे मजदूर किसान रोटी कपड़ा मकान क्या मांगे मजदूर किसान रोटी कपड़ा मकान हमारे यहाँ मीडिया बंधु जो भी हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं जो हमारी आवाज़ लगातार उठाते रहे हैं और उठा रहे हैं। ये हमारी स्ट्राइक जो कोई नई बात नहीं है, इनको मालूम हम कम से कम 20-25 साल से ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सरकार से झगड़ रहे हैं, सिर्फ किस लिए? अपना हक, जो हमारा हक है काम करने के बाद हम वो मांगते हैं गवर्नमेंट से। सरकार ऐसी है कि जैसे कि उनको सब कुछ दिखता है पर कान बंद आंखें बंद करके सोई हुई है। एक मजदूर सिर्फ अपना बच्चों का पेट पालने के लिए इस गवर्नमेंट के स्कीमें चलाता है, काम करता है। लास्ट में ग्राउंड में अगर उसकी सैलरी की बात की जाए, किसी और परमानेंट की बात की जाए, वो जीरो। हमारी जो पिछले महीने की सैलरी है, लगभग कई डिस्ट्रिक्टों में वो पूरी सैलरी रिलीज हो चुकी है, पर इन्होंने हमारे जो ऑफिसर बैठे हैं ऊपर, ना जाने इनको पता नहीं क्या होता है कि जब भी हमारी सैलरी आती है ये नए नए बहाने ढूंढते हैं या अपनी जेब में रखते हैं। जैसे आए इनके घर से नहीं ले रहे हैं, हम गवर्नमेंट के घर से ले रहे हैं, इन्हें रिलीज करनी चाहिए। मैं एक्सल साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी पहले तो हमारी सैलरी रिलीज करें। दूसरी बात है कि स्ट्राइकें करते करते हमारी भी उम्र होने लगी है अभी, तो गवर्नर जो हमारे इधर बैठे हैं LG मनोज सिन्हा साहब, उनसे हम अपील करते हैं कि अभी भी टाइम है, वक्त है, संभाल लीजिए, नहीं तो ऐसे हालात आ जाएंगे कि ना हमारे हाथ में कुछ रहेगा ना आपके हाथ में कुछ रहेगा, क्योंकि हम लोग परेशान हो चुके हैं। ये सरकार इतना झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। एक LG जो 1.5-2 महीने का टाइम लेता है और जब उससे बात की जाती है वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। कितनी शर्म की बात है इस LG के लिए और BJP के नुमाइंदे जो बैठे हैं, पता नहीं उनकी क्या सोच है कि हमने इनको इलेक्शन के टाइम करना है या नहीं करना है। मैं सिर्फ गवर्नर साहब से अपील कर रहा हूं, आप एक ऑर्डर निकालो कि हमने इनको नहीं रखना है। फिर जो J&K तूफान आएगा J&K में, वो गवर्नर साहब ही नहीं रोक सकते। जहां से आए हैं उनकी टिकट भी वहां की जाएगी वापस। शर्म आनी चाहिए इस गवर्नमेंट को। हर एक मजदूर अपने हक के लिए, बच्चों के लिए दिन रात काम कर रहा है, लड़ रहा है, तो इसमें क्या गलत कर रहा है, क्या गुना कर रहा है? जिसे कुर्सी मिलती है वो चाहता मैं भगवान हूं। यार इंसान धरती पे आया है तो मरना तो एक दिन सबको है। अच्छा काम करके मरो, गंदे काम करके हमारी बदुआ लेके मरोगे तो नरक में जगह नहीं मिलेगी। सरकार का जो रवैया है वो पूरी तरह तानाशाही है। सभी जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में 9,000 पर महीने में हम गुजारा कैसे करेंगे? वो भी हमारे जो एक्शन साहब हैं, वो भी जो रिलीज हुई है पे, उन्होंने वो भी बंद करके रखी है, वो भी हरासमेंट कर रहे हैं। एक तो महंगाई के इस जमाने में 9,000 में आता क्या है? ऊपर से हम 20-25 साल हो गए इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हुए, लेकिन सरकार ने अभी तक हमको परमानेंट करने का कोई जो प्रपोजल है वो कुछ नहीं तैयार किया हुआ है। 25-25 सालों से हम इस लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार आना कानी कभी टाइम मांगती है, पता नहीं क्या कुछ इनके जो रवैया है वो अपनाया हुआ है। तो अभी पिछले दिनों की बात है, सरकार के LG साहब कहते हैं कि मेरे पास इनको देने के लिए कुछ नहीं है। कितनी बड़ी शर्म की बात है, कोरोना के टाइम 20,000 करोड़ रुपए का वो पार्लियामेंट बन सकता है, इनके लिए सैलरियां बढ़ सकती हैं, महंगाई भत्ते जो इनके जो मेंबर पार्लियामेंट है चाहे विधानसभा के मेंबर हैं इनके लिए सब खुश है, लेकिन जो गरीब लोग जो लोगों की सेवा करते हैं उनके लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है।